दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। आज हम बनाने जाएंगे दो तरह की एक की रेसिपी जो आपकी सहेली के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मैंने दो अंडे फोड़ लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज को बड़ा चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे, और एक हरी मिर्च काट कर रख ली थी उसे भी डाल देंगे। 1 से 2 टीस्पून जितना हमने हरे धनिया डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 2 से 3 चुटकी जितनी काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया है। फिर इसके लीड लगाकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा एक मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम एक छोटा बॉल ले लेंगे जिसके अंदर हमने दो अंडे डाल दिए थे। इसका व्हाइट पार्ट अलग कर दिया था और येलो पार्ट अलग कर दिया है। यहाँ पर मैंने दो अंडे के योग अलग कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें शामिल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं व्हाइट पार्ट का ही अंडा बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे योग के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितनी बारीक प्याज शामिल कर दी है। 1 हरी मिर्च काट कर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जितना जीरा पाउडर शामिल करेंगे और 2 चुटकी जितनी काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 2 अंडे जितना नमक शामिल कर दिया है और कुछ हरे धनिए के पत्ते काट कर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर अंडे का मिक्सर बनकर तैयार है। अब हम आगे की प्रोसीजर करते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे या तो तवा ले लेंगे और उस पर बटर डाल देंगे। जैसे ही हमारा बटर पिघलेगा, हम उस पर जो हमने ग्रीन एग का मिक्सचर तैयार किया है वो इस पर डाल देंगे। इसे अच्छे से फैलाकर हम लीड लगा देंगे और इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। हमने इसे स्लो आंच पर एक तरफ से पका लिया था। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उस पर ये अंडा डाल देंगे और उसे टर्न करके उसकी साइड पलट देंगे। हमने यहाँ पर इसे प्लेट में टर्न कर लिया है। अब इसे जो नीचे वाला हिस्सा है वो वापस से हम पैन में डाल देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने देंगे। हम इस पर वापस से लीड लगा देंगे और स्लो आंच पर हम इसे पकाएंगे। कुछ ही मिनटों में ये पककर तैयार हो जाता है। देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमने वापस से उसी पैन में 1 टेबल स्पून जितना बटर डाल दिया है और उसे चारों तरफ फैला देंगे। इसके बाद हमने जो व्हाइट पार्ट वाला एक मिक्सचर तैयार किया था वो इस पर डाल देंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद मैंने इस पर चीज़ की 2 स्लाइस रख दी थी और हमने यहाँ पर एक लच्छा पराठा बना लिया था। आप नॉर्मल पराठा भी इस पर रख सकते हैं। और फिर इस पर हम लीड लगाकर इसे पकने देंगे। कुछ देर के बाद हमने लीड हटा दी है। हमारा एग अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम दोनों अंडों को सर्व करेंगे। यहाँ पर मेरा ग्रीन ऑमलेट और चीज़ ऑमलेट बनकर तैयार है। हमने छुरी से चीज़ ऑमलेट के कट कर लिए हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप सहरी में इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो एक चीज़ पराठा बनाया है उसे कट करके बताती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छा बना है। और ग्रीन एग का तो क्या कहना, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये दोनों रेसिपी बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये दोनों एग कैसे लगे। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।